स्वागत है सेठी साहब आपका, एक या अनेक? अनिल जी, आज के बाजार को देखते हुए एक ही कॉल है, बस खरीदारी की सलाह है, एक ही सर, आपने करने का है। आपने तो फोन उठा लिया, कनेक्ट हो गए, यही बड़ी बात है। नहीं तो तेजी करने वाले लोग तो आज तो मतलब कहीं गुफाओं में, हिमालय में जाकर छुपे हुए हैं। तो चलिए, आप शॉर्ट कॉल तो देते नहीं है, मैंने अभी तक तो कभी देखा नहीं, आज तो नहीं है? नहीं, अनिल जी, खरीदारी की, चलो भैया, खरीदने का ही कॉल है। देश दुनिया को आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो इस मार्केट में भी खरीदने का इरादा रखते हैं, सोच सकते हैं। बताएं सर, क्या खरीदेंगे? बिल्कुल अनिल जी, देखिए, आज तो एक बहुत अच्छी खासी बाजार में गिरावट आई है, बट इसमें मुझे लगता है ये इसको एक करेक्शन के रूप में लेना चाहिए। बिकॉज देखिए, आने वाले वीक में दो इवेंट है बड़े, एक तो वीक खत्म होते ही हमारा बजट रहेगा, तो उसके एंटिसिपेशन में बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी ऐसा लगता नहीं है। बाकी एक ट्रंकेटेड वीक है, 26 जनवरी की छुट्टी है, तो थोड़ा वोलेटाइल रहना है बाजार को और कॉशियस तो रहना चाहिए और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ ही जाना है। बट आज जो स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ वो एक सेफ बेट है। मुझे लगता है आज रेमको सीमेंट, जो कि एक साउथ इंडिया का वन ऑफ द क्या सबसे बड़ा प्लेयर है सीमेंट का, उसमें खरीदारी करने की सलाह। इसकी दो वजह है, एक तो हमने हाल ही में सागर सीमेंट जो कि साउथ इंडिया से ही है उसके नतीजे देखे, नतीजे बेहद शानदार थे, तो मुझे लगता है इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे बहुत ही अच्छे रहेंगे। वैसे भी सीमेंट सेक्टर से बहुत उम्मीदें हैं। और बाकी कल अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आ चुके होंगे, कल शनिवार को अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि इस सेक्टर की लीडर है उसके कल नतीजे, और नतीजे में अल्ट्राटेक से भी दमदार नतीजे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मंडे को जब हम खुलेंगे तो मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर फोकस में रहेगा, तो रेमको सीमेंट उसी पे भी खरीदारी करने की सलाह है। अभी 805 के लेवल पे जनवरी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, इसको खरीदना है विथ फॉर अ टारगेट ऑफ 830 और स्टॉप लॉस रखना है 790 रुपीज का। ओके, 790 का स्टॉप लॉस, 830 का टारगेट, रेमको सीमेंट में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, एक ही स्टॉक है आज, राइट? हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज एक ही स्टॉक। 3:30 बजे तो आएंगे ना सर? अरे सर, मस्ती करने तो आएंगे ना, बाजार आज तो ज्यादा जरूरी है डोज, एकदम जिस तरह का स्ट्रेस होके रखा है हमारे कुणाल जी। मेरे को तो आप मौका दे रहे हो आज अपनी भड़ास निकालने का, तो वो तो करूंगा मैं अनिल जी। चलिए बहुत बढ़िया, आइए। और हमारे बंसल जी तो शुरुआत तब से चुप ही बैठे हैं, बोल ही नहीं। कुणाल जी को तो हमने जबरदस्ती 2-3 सवाल पूछ लिए,